राजनीति में अपनी पहचान के संकट से जूझ रही मायावती अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आने लगी हैं। भारत चीन सीमा संकट पर उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का साथ देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर विश्लेषकों द्वारा कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब भाजपा के साथ जाने का मन बना रही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि काफी समय से मायावती भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर दिख रही हैं, विशेषकर प्रियंका गांधी पर। कई मुद्दों पर उन्होंने जहां एक और प्रियंका गांधी को घेरा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर कम हमलावर दिख रही हैं। भारत चीन सीमा मामले पर इससे पहले शरद पवार ने भी अपना समर्थन केंद्र सरकार को देने का ऐलान किया था। इसके बाद अब मायावती ने भी अपना समर्थन भाजपा को देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद से ही नए राजनीतिक समीकरणों के कयास लगाए जाने लगे हैं। गौरतलब हो कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के बाद एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक साथ नजर आई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में उतरने के बाद से ही मायावती कांग्रेस पर तिलमिलाई हुई नजर आती हैं। उन्होंने ट्विटर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक प्रियंका गांधी पर वार ही वार किए हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी हार के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। इससे पहले भी भाजपा और बसपा काफी समय तक एक दूसरे के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बसपा ने भाजपा के समर्थन से ही मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। अब ये देखने लायक होगा कि क्या आगे भी ऐसी कोई संभावना उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा अकेले ही पूर्ण बहुमत से आंकड़े से काफी आगे है। इसलिए भाजपा से ज्यादा बसपा को इस गठजोड़ की जरूरत दिखाई पड़ती है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।